दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने ना जाने कितने ही लोगों के मन को दुख पहुंचा देते हैं, कितनों को ही भला बुरा कह देते हैं, कितनों का ही हम नुकसान कर डालते हैं। परंतु ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि ऊपर कोई शक्ति है जो हर पल हर समय हमारे सारे एक्शंस को देख रही है, और उस शक्ति का नाम है परमात्मा। हमारा एक एक मिनट का कर्म भी ऊपर इसी शक्ति, ऊपर इसी परमात्मा की अदालत में रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी परमात्मा के पास एक लाठी भी है। यह लाठी किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही यह लाठी आवाज करती है, परंतु जब जब यह लाठी पड़ती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा देती है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी, परमात्मा की लाठी। कहीं एक छोटा सा सुंदर कस्बा था। उसी कस्बे में एक साधु रहता था। वह साधु सदा ईश्वर की भक्ति में, उसकी पूजा पाठ में मस्त रहता था। अपना पेट भरने के लिए वह गलियों में घूम घूम कर भिक्षा मांगता था, और जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता, थोड़ा या ज्यादा, वह उसे ही ईश्वर का प्रसाद समझकर संतुष्ट रहता था। कुछ ना होते हुए भी उसे ना तो ईश्वर से कोई शिकायत थी और ना ही इस दुनिया के लोगों से। भिक्षा मांगते समय वह सदा ईश्वर के भजन गाता रहता था। कुछ लोग उस साधु को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे, पर उस मस्त साधु को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन की बात है, वह साधु प्रेम और मस्ती में ईश्वर के भजन गाता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसने एक मिठाई की दुकान को देखा। वह साधु उस मिठाई की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां एक कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुककर उन जलेबियों को देखने लगा। शायद उसे भूख का एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहां से आते। कुछ देर वहां खड़ा रहने के पश्चात जैसे ही वह साधु वहां से जाने लगा, तो उस नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया, और दयावश उसने साधु को एक गर्म प्याला दूध और कुछ जलेबियां खाने को दी। साधु ने छक कर गर्मा गर्म जलेबियां खाई, गर्म दूध पिया, और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस नेक दिल हलवाई के लिए प्रार्थना की और खुशी खुशी वहां से चला गया। और यह शायद उस हलवाई के इस अच्छे कर्म का फल था, या फिर उस साधु की दुआओं का, कि उस दिन हलवाई की दुकान में रोज के मुकाबले ज्यादा बिक्री हुई। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, चारों ओर गंदा पानी भर चुका था। वह साधु दुनिया के दुखों से बेखबर ईश्वर के भजन गाता हुआ अपनी मस्ती में उसी गंदे पानी में चला जा रहा था। उसी साधु के पीछे पीछे एक नवविवाहित पति पत्नी भी बारिश के उसी गंदे पानी से बचते हुए चल रहे थे। वह साधु इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीछे पीछे भी कोई इस गंदे पानी से बचता हुआ चला आ रहा है। अपनी ही धुन में चलते हुए उस साधु ने अचानक मस्ती में बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी, और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली उस नवविवाहिता लड़की के महंगे कपड़ों पर जा गिरा। उस लड़की के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उस लड़की के युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उस साधु के कपड़ों को खींच कर कहने लगा, अबे अंधा है क्या, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के महंगे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए हैं। वह साधु यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उस लड़की ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से उस साधु को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु पति की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, परंतु उस आदमी के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, और आखिर जवानी के नशे में चूर उस नौजवान आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ उस साधु के चेहरे पर जड़ दिया, और फिर लातों और घूसों से उसकी पिटाई कर दी। साधु बेचारा लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। साधु को इस तरह कीचड़ में गिरते हुए देखकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर आगे चला गया। और उस भले साधु ने हमेशा की तरह आकाश की तरफ हाथ उठाए और कहा, हे परमात्मा, जैसी तेरी मर्जी। उधर दूसरी तरफ वही आदमी अपनी पत्नी के साथ
थोड़ी देर के बाद अपने घर पहुंच गया। वह आदमी अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर बहुत फिसलन हो गई थी। अचानक फिसलन के कारण उस आदमी का पांव फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। पति को नीचे गिरता देखकर वह लड़की जोर जोर से शोर मचाने लगी और लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। उस लड़की की आवाज सुनकर कुछ लोग तुरंत ही सहायता के लिए वहां पर भाग कर आए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी का सिर फट गया था और ज्यादा खून बह जाने के कारण कुछ ही देर के पश्चात उस आदमी की मृत्यु हो गई। इस तरह अचानक ही एक नौजवान आदमी को मरते हुए देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। वे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। हो ना हो, इस साधु ने ही इस आदमी को कोई श्राप दिया था, वरना क्या कभी कोई सीढ़ियों से गिरने पर भी मर जाता है। और ऐसा सोचते ही वे सभी लोग गुस्से में भर गए और उस साधु के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे साधु, तू अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हो? तुमने तो केवल एक थप्पड़ खाने पर उस आदमी को इतना बड़ा श्राप दे दिया और तुम्हारे ही श्राप के कारण अभी उस आदमी की मृत्यु हो गई। ये तुम कैसे भक्त हो? उस आदमी की मृत्यु की खबर सुनकर वह साधु हक्का बक्का रह गया। वह कहने लगा, परमात्मा की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। तब भीड़ में से एक आदमी ने कहा, अगर तुमने श्राप नहीं दिया तो एक नौजवान आदमी इस तरह सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? यह सुनकर उस साधु ने उन लोगों से पूछा, क्या आप में से कोई भी इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है? यह सुनकर एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का गवाह हूँ। तब साधु ने उससे पूछा, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उससे उस आदमी के कपड़े खराब हुए थे? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, उस आदमी के नहीं, परंतु उसकी पत्नी के कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए थे। साधु ने अगला सवाल पूछा, तो फिर उस आदमी ने मुझे क्यों मारा? वह युवक कहने लगा, क्योंकि वह आदमी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को इस तरह गंदा करे, और इसीलिए उस आदमी ने आपको मारा। उस युवक की यह बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठाका लगाया और फिर हंसते हंसते कहने लगा, मैंने आज तक किसी को श्राप नहीं दिया, परंतु ऊपर जरूर कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। जिस तरह वह आदमी अपनी पत्नी के गंदे कपड़ों को सहन नहीं कर सका, उसी तरह मेरे परमात्मा को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मेरी इस तरह पिटाई कर दे? और मेरा परमात्मा इतना अधिक शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से कांप उठता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु जब वो लाठी पड़ती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा देती है। और ऐसा कहकर वह साधु खामोश हो गया। साधु की यह बात सुनकर वहां खड़े हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने साधु को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।